अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारिस किचन। आज मैं चिकन के समोसा बनाने जा रही हूँ। चने बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसको अच्छे से धोकर छन्नी में नितार कर लेंगे। ये आधा किलो चिकन का कीमा है। और ये मैंने हरी प्याज की जो प्याज होती है व्हाइट वाली, वो मैंने 4 से 5 ली है बारीक कट करके। और अगर आपके पास व्हाइट नहीं है तो आप ये नॉर्मल जो हम लोग रोज यूज करते हैं वो प्याज भी ले सकते हैं। हरा धनिया पुदीना लेंगे। और एक ये बॉल भर के मैंने प्याज की सब्जी ली है कट करके। हल्दी 1 छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्ची कटे हुए, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 टीस्पून हरा मसाला और ये समोसे की पट्टियां हैं। अभी सबसे पहले हम प्याज फ्राई करके लेंगे। ये देखिए, एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला। इसको तेल ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये समोसे में भरना है, इसके लिए तेल कम यूज करेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज को बहुत ज्यादा नरम नहीं करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। प्याज को 2-3 मिनट तक हम लोग थोड़ा सा भून कर लेंगे। फिर इसमें हम लोग मसाले कीमा ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से नरम हो गया। अब मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूंगी। हरा मसाले को भी 1 मिनट अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके भून कर लेंगे, उसका कच्चापन जाना चाहिए। फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड करूंगी और इसको भी हाई फ्लेम पे हम लोग भून कर देंगे। तो चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इससे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और फिर समोसे में हम लोग फ्राई करेंगे तो और भी गल जाता है। इसको अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके लेंगे। फिर बारीकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए, चिकन अच्छे से प्याज में मिक्स हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और ये मिर्ची भी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी सूखने के बाद वो हरी प्याज जो रखे हैं कट करके वो ऐड करेंगे। देखिए, कीमे का पानी सूख गया अच्छे से। इसको और सूखा करेंगे, एकदम सूखा करना है इसको। इसे बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, फिर भी चिकन भी पानी छोड़ता है। अब इसमें मैं हरी प्याज ऐड करूंगी और हरा धनिया पुदीना भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे और एकदम सूखा बना कर लेंगे। समोसे का बैटर तैयार हो गया है, अच्छे से सूखा हो गया है। इसको अब मैं उतार के ठंडा करूंगी, अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर समोसे बनाएंगे। देखिए, समोसे का जो कीमा बनाए थे मिश्रण वो ठंडा हो गया। अब मैं समोसा बनाने का आपको बताती हूँ। ये जो पट्टी लिए थे रेडीमेड है ये, इसको फ्रीजर में रखते हैं। इसको बनाने से 1 घंटा पहला बाहर निकाल के रखेंगे तो अच्छे से बनते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, ऐसा सब फोल्ड करेंगे। फिर एक बार उसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये ऐसा पॉकेट बनता है। इसमें आपको जितना चाहिए 1 चम्मच 2 चम्मच भर के अब इसमें कीमा ऐड करेंगे, डालेंगे इस तरह। इसको अच्छे से दबाकर इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी लगाकर, ये ऐसे पानी से भी चिपक जाता है। अगर पानी से ना चिपके तो थोड़ा सा आटे का लई बनाकर लेंगे, घेहूं के आटे का, और उसको चिपकाएंगे। ये देखिए, समोसा बन गया हमारा। इसी तरह हम बाकी के भी बना कर लेंगे। और एक मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऐसा पॉकेट बनाने का, इसको ऐसा फोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर फिर एक बार इसको इस तरह पलटी करेंगे, फिर ऐसा करके फिर ऐसा करेंगे और दोनों साइड से पानी लगाकर इसको चिपका देंगे। देखिए, पानी से भी आसानी से चिपक जाता है ये। ये समोसा हमारा बन गया। बाकी के भी सारे बना कर लेंगे, फिर सारे बनने के बाद फिर हम फ्राई करेंगे। देखिए, सारे समोसे मैंने बना कर लिए। ये अब मैंने तेल गरम होने रखा है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें समोसा ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है गैस को मीडियम करेंगे। तेल ये अच्छे से गरम हो गया है, अब इसको गैस को लो फ्लेम पे हम समोसे फ्राई करेंगे। ज्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएंगे
और फिर थोड़ी देर के बाद नरम पड़ते हैं। इसके लिए लो फ्लेम पे करेंगे तो काफी देर तक अच्छे क्रिस्पी रहते हैं। समोसे फ्राई हो गए, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसको एकदम लो फ्लेम पे मैंने फ्राई किया। अब इसको निकाल कर सर्व करेंगे। हमारे चिकन के गर्मा गर्म समोसे बन के तैयार है। अब इसी तरीके से बना के देखो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।